हुनर आपके पास है। हर रोज की अजीबो गरीब झुंझला देने वाली स्थितियों में भी आप हंसी का कोई न कोई कारण ढूंढ लेते हैं। जीवन की तमाम बेतुकी स्थितियों की सुंदरता और उसके हास्य को देख सकने का आपका यही अंदाज दूसरों को आपका मुरीद बना देता है। आपका रचनात्मक अंदाज, कोई भी काम क्यों न करना हो, आप पूरे दिल से उसे करते हैं। लिखना हो, बोलना हो या नौकरी संबंधी कोई काम, आपके काम करने का तरीका सबको हैरत में डाल देता है। जहां दूसरों के सोचने की शक्ति जवाब दे देती है, वही आपके सोचने का तरीका कठिन स्थितियों का भी झट से समाधान कर देता है। लगातार खुद को प्रेरित करते रहने में आपका जवाब नहीं। खुद को और दूसरों को प्यार करना, अच्छा या बुरा, खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसले करना आपको जिंदगी के करीब ले जाता है। इतना ही नहीं, दूसरों को उनकी अच्छाई व बुराई के साथ स्वीकारना, उनके विचारों का सम्मान करना और उनकी तारीफ करना उन्हें प्रेरित करता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने का स्वभाव आपको उनकी नजर में उठा देता है। आपका जोश व उत्साह, हर समय काम करने के लिए तैयार रहने का जज्बा और बिना डरे फैसले लेने का स्वभाव आपको खास बना देता है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच भी दूसरों से जुड़े फैसले पूरी संवेदनशीलता के साथ लेना, अपनों को प्रेम करना और छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना आपको आता है। जीवन के प्रति आपका प्यार दूसरों को ताकत देता है। हर बात में खुश रहो, आप खुश होना चाहते हैं, दिन रात उसके लिए लगे रहते हैं, फिर भी उदासी पीछा नहीं छोड़ती। इसी खुशी के नजदीक ले जाने का तरीका बता रही है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीषि रविशंकर की छोटी सी कविता। इस हफ्ते क्यों न इसे आजमाए, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो पास में ना हो उसकी आवाज में खुश रहो, कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले है उन लम्हों की याद में खुश रहो, कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो, खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। तू है महान, तेरी जय
तेरी जय, तेरी जय। यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, नहमाया परमेश्वर का दास था। हम नहमाया की पहली अध्याय में पढ़ते हैं कि तब हनानी नामक मेरा भाई यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए, अब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। ये सुनकर मैं यानी नहमाया बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। नहमाया राजा का प्याऊ था, वो राजमहल में रहने वाला, लेकिन वो अपनी जाति
अपने समाज, अपनी कलीसिया को नहीं भूला। वो उससे प्रीति रखता था, अतः उसकी आंखों से प्रेम की आंसू निकल पड़े। मित्रों, आज कौन है जो अपने समाज, अपनी कलीसिया की दुर्दशा और निंदा होते देख रोता है, आंसू बहाता है? वर्तमान कलीसियाएं यद्यपि दुर्दशा में पड़ी है, फिर भी हमारे कितने विश्वासी हैं जो देखकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। भला क्या करेंगे, क्योंकि उनको अपनी जीविका की पड़ी है। क्या हम नहमाया के आंसू की तरह आंसू बहाना नहीं चाहते हैं? यह हमारा एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य है। हमें इस बोझ का महसूस करते हुए वर्तमान सांसारिक कलीसियाओं के लिए, अपने समाज के लिए आंसू बहाना है। एस्तर रानी भी अपने समाज के प्रति, जो विनष्ट होने पर था, शोक से भरी हुई थी, विलाप कर रही थी, उपवास रखती थी। कितना प्रेम था। एक अनजाति रानी पदवी पाकर भी अपनी कलीसिया को, अपने भाई बंधु को बुलाती नहीं। बहने, मैं आपसे कह रहा हूं, एस्तर रानी की तरह आंसू बहाएं, कलीसिया को बचा ले। निर्मया एक भयस वक्ता था, उसे टूटे हुए हृदय का भयस वक्ता भी कहा गया है। उसके व्यक्तित्व या उसके जीवन का अध्ययन किए जाए, ये बात स्पष्ट होती है कि उस पर आत्माओं को बचाने का बहुत बोझ था। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी होती थी, क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर के कठोर न्याय का संदेश लोगों को सुनाए। यर्मया की पूरी किताब में 13 बार भटकने वाली शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात भटके हुए भस लोगों को परमेश्वर के पास लाने का बोझ इतना भयानक बोझ था कि उसकी आंखों में निरंतर आंसू बहते रहते थे। निर्मया किताब 13:17 में लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्भ के कारण रोऊंगा, मेरी आंखों से आंसू की धाराएं बहती रहेगी। मित्रों, इसके अलावा और भी ऐसी बातें हैं, और भी ऐसे संत हैं जैसे यूहन्ना, पौलुस, प्रेरित इत्यादि। क्या इनके आंसू आत्माओं के लिए नहीं बहे? इन्होंने बहुत सी आत्माओं को बचाकर अपना नाम आंसुओं की किताब में लिखा दिया है। अब वे नहीं रहे, लेकिन हमें उनके बदले, हम मसीहों में से प्रत्येक भटकी आत्माओं को बचाने का निर्णय ले सकते हैं। इस संसार में सब अपने लिए जीना पसंद करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीना ही जिंदगी का मूल समझते हैं। बाइबल कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अतः उन आत्माओं के लिए विलाप करना है जो परमेश्वर के राज से दूर है, कि हम उन्हें बचाने के लिए तैयार हैं। अनेक परिवार ऐसे हैं जिसमें स्वतंत्र जीवन जीने की आदत है। कई परिवारों में
भाई बहन माँ बाप का कोई स्तर ही नहीं। बाप के जीने का ढंग कुछ है, माँ का कुछ और भाई का कुछ और बहन का कुछ। यदि बाप सही है तो बेटा गलत रास्ते में है, तो भी उसे हम कुछ नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लड़के अथवा लड़की को जो परिवार से भटक गए, उन्हें परमेश्वर के पास लाना है, उनसे बातें करना है। आज बहुत से मसीह परिवारों में नौजवान भटके हुए हैं, नशे के गुलाम हैं, उनका जीवन खत्म हो चुका है। मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, लोग मुझे फोन करते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उन नौजवानों के लिए जो भटके हुए हैं, नशे की गुलामी में हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ना घबराए ना डरे, परमेश्वर की तरफ देखें। आप याद करें वो उड़ा पुत्र जो अपने पिता से सब कुछ लेकर दूर देश चला गया, उसे भी आना पड़ा अपने पिता के पास। वो क्यों आया? क्योंकि उसका पिता रोज प्रार्थना करता था कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। अगर आपने ये प्रार्थना किया है आंसुओं के साथ, तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार जो आज भटक चुका है, वो आपके पास आएगा। यीशु एक बार अपने परिवार के लिए रोया, अपने पिता भाइयों के लिए, इसका समाचार पूरे मिस्र में पहुंच गया। यीशु अपने परिवार से कहता है, उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे पहले से भेज दिया है। परिवार को उसी का कोई सदस्य बचा सकता है? परिवार के प्रति आंसू बह हैं, उनके नाम परमेश्वर की किताब में लिखे गए हैं, कि हमारे नाम भी उस पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, हम आज तेरे पास आते हैं, हम प्रार्थना करते खुदावन आज कलीसिया की दशा के लिए और तमाम मसीहों के लिए खुदावन, और उन भटके हुए नौजवानों के लिए। शैतान आज हमारे घरों से हमारे नौजवानों को छीनना चाहता है और उन्हें पाप में फंसाना चाहता है और उनकी आंखों को बंद करना चाहता है। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने श्रोताओं के लिए, उन नौजवानों के लिए जो आज भटक गए हैं, पाप के गुलामी में है। खुदावन उन्हें तो वापस ला अपने ऊपर, खुदावन ये जिम्मेदारी डाल उनके जीवन में। महान परमेश्वर, हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने समस्याओं को बता सकते हैं, अपनी बीमारियों को बता सकते हैं। हम उन नौजवानों के लिए कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल नंबर है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR Hindi Asia। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्भ के कारण रोऊंगा, मेरी आंखों से आंसू की धाराएं बहती रहेगी। मित्रों, इसके अलावा और भी ऐसी बातें हैं, जैसे और भी ऐसे संत हैं जैसे यूहन्ना, पौलुस, प्रेरित इत्यादि। क्या इनके आंसू आत्माओं के लिए नहीं बहे? इन्होंने बहुत सी आत्माओं को बचाकर अपना नाम आंसुओं की किताब में लिखा दिया है। अब वे नहीं रहे, लेकिन हमें उनके बदले, हम मसीहों में से प्रत्येक भटकी आत्माओं को बचाने का निर्णय ले सकते हैं। इस संसार में सब अपने लिए जीना पसंद करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीना ही जिंदगी का मूल समझते हैं। बाइबल कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अतः उन आत्माओं के लिए विलाप करना है जो परमेश्वर के राज से दूर है, कि हम उन्हें बचाने के लिए तैयार हैं। अनेक परिवार ऐसे हैं जिसमें स्वतंत्र जीवन जीने की आदत है। कई परिवारों में भाई बहन, माँ बाप का कोई स्तर ही नहीं। बाप के जीने का ढंग कुछ है, माँ का कुछ और भाई का कुछ और बहन का कुछ। यदि बाप सही है तो बेटा गलत रास्ते में है, तो भी उसे हम कुछ नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लड़के अथवा लड़की को जो परिवार से भटक गए, उन्हें परमेश्वर के पास लाना है, उनसे बातें करना है। आज बहुत से मसीह परिवारों में नौजवान भटके हुए हैं, नशे के गुलाम हैं, उनका जीवन खत्म हो चुका है। मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, लोग मुझे फोन करते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उन नौजवानों के लिए जो भटके हुए हैं, नशे की गुलामी में हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ना घबराए, ना डरे, परमेश्वर की तरफ देखें। आप याद करें वो उड़ा पुत्र जो अपने पिता से सब कुछ लेकर दूर देश चला गया, उसे भी आना पड़ा अपने पिता के पास। वो क्यों आया? क्योंकि उसका पिता रोज प्रार्थना करता था कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। अगर आपने ये प्रार्थना किया है आंसुओं के साथ, तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार जो आज भटक चुका है, वो आपके पास आएगा। यीशु एक बार अपने परिवार के लिए रोया,
अपने पिता भाइयों के लिए इसका समाचार पूरे मिस्र में पहुंच गया। यीशु अपने परिवार से कहता है, उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे पहले से भेज दिया है। परिवार को उसी का कोई सदस्य बचा सकता है। परिवार के प्रति आंसू बह हैं, उनके नाम परमेश्वर की किताब में लिखे गए हैं, कि हमारे नाम भी उस पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, हम आज तेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करते खुदावन आज कलीसिया की दशा के लिए और तमाम मसीहों के लिए खुदावन, और उन भटके हुए नौजवानों के लिए। शैतान आज हमारे घरों से हमारे नौजवानों को छीनना चाहता है और उन्हें पाप में फंसाना चाहता है और उनकी आंखों को बंद करना चाहता है। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने श्रोताओं के लिए, उन नौजवानों के लिए जो आज भटक गए हैं, पाप के गुलामी में है। खुदावन उन्हें तो वापस ला अपने ऊपर, खुदावन ये जिम्मेदारी डाल उनके जीवन में। महान परमेश्वर, हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने समस्याओं को बता सकते हैं, अपनी बीमारियों को बता सकते हैं। हम उन नौजवानों के लिए कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल नंबर है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।